नमस्कार, मैं हूं सोनिका और आप देख रहे हो तत्काल न्यूज लाइव। कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र में बुधवार को पहली बार 10,000 से ज्यादा नए केस सामने आए। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में कोरोना के 10,576 नए मामले सामने आए और इस दौरान 280 लोगों की मौत हो गई। देश में कोरोना का कहर लगातार बढ़ रहा है। भारत में कोरोना वायरस से 11,92,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हैं। वहीं अब तक 28,700 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इस बीच कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 3,37,000 और अब तक 12,556 लोग इस जानलेवा वायरस के शिकार बने। मुंबई में आज 1,310 नए मामले सामने आए और संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 1,04,678 पर पहुंच चुका है। मुंबई में 5,875 लोगों की अब तक कोरोना वायरस से मौत हुई। उधर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने शिवसेना के मुखपत्र सामना के लिए एक इंटरव्यू रिकॉर्ड किया है। पार्टी के सांसद और प्रवक्ता संजय राउत के साथ रिकॉर्ड कराए गए इस इंटरव्यू में सीएम ठाकरे ने कहा, मैं डोनाल्ड ट्रंप नहीं हूं। सोशल मीडिया पर इस इंटरव्यू का टीजर जारी किया गया है। यह इंटरव्यू इस सप्ताह के अंत में दो पार्ट में जारी किया जाएगा। देश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों में किसी तरह की कोई राहत नहीं दिख रही है। हर रोज देश में 37,000 नए मरीज सामने आ रहे हैं। अब तक का रिकॉर्ड 40,000 मामलों का रहा है। 22 जुलाई की सुबह तक देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण से 37,724 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही जब देश में कुल दर्ज मरीजों की संख्या 11,92,915 हो चुकी है। पिछले 24 घंटों में 648 मौतें हुई हैं, जिसके साथ अब तक कुल मौतों का आंकड़ा 28,732 पर पहुंच गया है। तत्काल न्यूज़ लाइव के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए।